हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर रैशनल नंबर पार्ट टू। इसकी एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज हम सीखेंगे फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, -9/11 एंड -1/11। अब ये देखो, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कब होता है, ये देखो -9, देखो डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, 11 एंड 11। यहाँ है -9, यहाँ है -1। अब इनके बीच के तो हम इजीली निकाल सकते हैं, आप ये नंबर लाइन जानते होंगे, ठीक है। ये 0, 0 से इस तरफ पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव वाले होते हैं ना। इसी तरीके से देखो, अब ये -1 से -9, ठीक है। अब ये देखो, -1 से -9 के बीच के हम निकाल सकते हैं -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये सारे इनके बीच के ही हैं, तो हम इसमें तो सिंपली हम लिख सकते हैं इनके बीच के रैशनल नंबर -9/11 से ग्रेटर है -8/11। आपको पता होगा माइनस में जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा। फिर इससे बड़ा है -7/11, इससे बड़ा है -6/11, -5/11, -4/11, -4/11, -3/11, -2/11, ठीक है, एंड -1/11। ये हो गई इसके बीच के। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके बीच के जितने भी आए हमने वो सारे के सारे लिख दिए। क्लियर है, ये तो सिंपली एक क्वेश्चन होता है। एक और देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब ये तो खुद ही एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको एक रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। -5 को हम क्या लिख देंगे, एक चीज ये देखो, उसने कितना पूछा है, 5 ना, तो हम इससे एक ग्रेटर लेंगे, क्या लेंगे, 6। तो -5 के बराबर में हम लिखेंगे, पहले तो डेनोमिनेटर में हम लिख देंगे 6, ठीक है। इसी तरीके से -4 के बराबर में भी हम क्या लिख देंगे, डेनोमिनेटर में 6। क्लियर है। अब इस 6 की हम 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, -30। क्लियर है, ध्यान से समझना। फिर इस 6 की हम 4 के साथ मल्टीप्लाई, -4 है ना, तो कितना आ जाएगा, -24। अब ये देखो, -5 किस में कन्वर्ट हो गया, -30/6, और -4 किस में कन्वर्ट हो गया, -24/6। क्लियर है यहां तक। अब हमने इस 5 को इसमें रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये सोचोगे कि हमने अपनी तरफ से ये कैसे कर दिया, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब हम इसको सोल्व करेंगे। एक चीज देखना ध्यान से, -30/6 को अगर हम सोल्व करेंगे, 6 1 6 6 5 जा, तो कितना आ गया, -5 ही आया ना, ठीक है। और -24/6 को अगर हम सोल्व करेंगे, 6 1 6 6 4 जा, तो कितना आया, -4 ही आया। सेम वही टर्म आ गई ना दोनों की दोनों, तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ये हमने क्यों किया, हमने इनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम इजीली इनके बीच के रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। अब देखो सिंपली लिख दो, -5 से ग्रेटर, देखो -30 से छोटा यानी कि बड़ा, और क्या होगा, -29/6, ठीक है, -28/6 वही नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड -27/6, -26/6, -25/6, -24/6, -24/6 किसके इक्वल होता है, -4 की। समझ में आ गया, -5 से -4 के बीच के 1, 2, 3, 4, 5 रैशनल नंबर्स आ गए। तो ये था एक तरीका रैशनल नंबर्स निकालने का। बस ये ध्यान रखना, जितना उसने पूछा है उसे एक ग्रेटर लेके डेनोमिनेटर में लिख के उसी की हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही होता है, ये -5 एक रैशनल नंबर के में कन्वर्ट हो गया। ओके।